हाय गाइस, मैं हूं आपकी प्यारी भव्या। आपका नीलकंठ मार्केट ब्लॉग्स विद भव्या के चैनल पर स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आ गई हूं इंद्रलोक थर्सडे मार्केट का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन को भी जल्दी से चेकआउट कर लें। अगर आप दिल्ली के ट्रेंडिंग मार्केट्स के लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यानी नीलकंठ मार्केट ब्लॉग्स विद भव्या के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो ये जो आप देख रहे हो सूट्स, ये 350 रुपीस के हैं। ये वाली जो सूट्स की मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ, ये साबा नर्सिंग होम पर जब आप जाओगे तो आपको राइट साइड में दो तीन दुकानें ऐसे ही दिखेंगी। उसकी फर्स्ट दुकान मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ऊपर हैवी वाले सूट्स हैं उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी 1000 रुपये से और मैक्सिमम 6000-7000 तक की जाएगी, बहुत ही हैवी हैवी सूट्स। और ये जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ, ये जन्नत कलेक्शन वाली जो रोड है, डिस्पेंसरी वाली जो रोड कह सकते हो, जन्नत कलेक्शन जहाँ पे है जन्नत कलेक्शन और डिस्पेंसरी वाली रोड जहाँ पे स्टार्टिंग होती है, वहाँ की ये मैं आपको सूट्स दिखा रही हूँ 850 के। 850 रुपये में आपको हैवी हैवी हर फैब्रिक में सूट्स मिल जाएंगे। और ये देखो, ये भी आपको मैं दिखा रही हूँ, ये जो सूट है ये प्योर चिनॉन का सूट है, 850 रुपये में आपको ये मिलेगा। इसका दुपट्टा भी है, बॉटम भी इसके साथ होगी। और इसको चेक करके लेना है आपको, हर कुछ भी आप खरीदते हो चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, आप उसको चेक करके लेना। और पैसे देने से पहले, मतलब आप पहले चेक कर लो, बाद में अगर आप जाओगे तो वो पैसे ना ही आपको वापस भी देंगे और फिर आप, मतलब आपका उससे झगड़ा भी हो सकता है। ये इस थर्सडे को हुआ था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो आप सूट देख रहे हो इसका प्राइस भी अलग होगा। अब मैं आपको दूसरी शॉप पर लेकर आ गई हूँ। ये जो मैं स्ट्रीट दिखा रही हूँ, ये नरेश भैया वाली जो स्ट्रीट है, फुटवेयर वाले जो हैं उनकी स्ट्रीट की, जो मैं आपको ये साड़ी की कलेक्शन दिखा रही हूँ, हारून भैया के बिल्कुल अपोजिट में ये आपको साड़ी की शॉप दिखेगी। और ये देखो, ये भी सूट्स आपको दिख जाएंगे। ये 100-100 रुपीज़ के आपको दुपट्टे मिल जाएंगे और ये 250 रुपये का सूट है, 250 रुपये में आपको ये सूट मिल जाएगा। और ये है हारून भैया के सूटों का कलेक्शन। इनके पास स्टार्टिंग 800 रुपये से हो जाती है और बढ़िया से बढ़िया सूट आपको 1500-2000 में मिलेगा। इन सब के प्राइस अलग अलग होंगे। और ये देख सकते हो आप, ये वाला जो सूट देख रहे हो ये भी, ये पाकिस्तानी था। और पीछे आपको इनके पास कॉटन के सूट भी मिल जाएंगे। और ये जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ ना, ये वाली जो आप शॉप देख रहे हो, जन्नत कलेक्शन के बीच, जब जन्नत कलेक्शन है आमना कलेक्शन वाली जो, मतलब अंदर को जाके आमना कलेक्शन की जो दुकान है वो वाली जो स्ट्रीट है उसके बिल्कुल उसी स्ट्रीट में ये भैया अपनी शॉप लगाते हैं पर्स की। इनके पास ये जो मैं आपको पर्स दिखा रही हूँ ये 150 रुपीज़ का है और जो मैंने पहले वाले दिखाए वो 100 रुपये में आपको मिलेंगे। ये सारे जो आप जितने भी डिज़ाइन देख रहे हो वो उसी पर्स के हैं। 150 में आपको ये ब्रांडेड पर्स मिल जाएगा, जैसे कि आप देख भी रहे हो इसका टैग भी लगा हुआ है, विद टैगिंग आपको मिलेगा और बहुत सारे कलर भी आपको मिल जाएंगे। ये 150 वाले हैं, 200 वाला भी मैंने दिखा दिया। अब मैं ये दिखा रही हूँ आमना कलेक्शन की साड़ी। इन्होंने इस बार 300 रुपये की साड़ियाँ लगाई हुई थी सेल में, सिल्क की ये साड़ियाँ थी। इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क का है और बहुत ही बढ़िया फैब्रिक भी था और डिज़ाइन भी था। आमना कलेक्शन की जो शॉप है बिल्कुल अपोजिट में एक भैया है जिनके पास आपको होम डेकोर का भी मिल जाएगा, आपके मतलब हर तरह का इनके पास आपको सामान और आइटम्स देखने को मिल जाएंगी। प्राइस मैंने सबके मेंशन कर दिए हैं नीचे, जैसे कि आप देख सकते हो। इनके पास आपको 10 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी, मतलब इनके पास आपको 10 रुपये में या तो की चेन मिल जाएगी या फिर कोई रबड़ बैंड मिल जाएगा या फिर बच्चों का कोई खिलौने का आइटम मिल जाएगा। ये देख सकते हो, जैसे कि इनके पास मैं आपको आइटम दिखा रही हूँ, इनके पास मतलब हर तरह की आइटम है, जैसे होम डेकोर को लेकर हो गई और भी बहुत सारी, मतलब ये देखो ये वाला जो आप देख रहे हो ये पिकॉक है। और ये जो 750 रुपये जो सेल लगाते हैं भैया सूटों की, उन्हीं के बिल्कुल जो पीछे ये इनकी दुकान कुर्ते पजामों की, ये देख सकते हो, ये जन्नत कलेक्शन वाली जो मैं बता रही हूँ आपको, जो जन्नत कलेक्शन है
उसी के साथ में 750 रुपये की सेल जो लगती है सूटों की, उन्हीं के बिल्कुल आगे वाली शॉप मतलब आमना कलेक्शन वाली जो वो है गली, उसी के उसी गली में इनकी भी शॉप है। इनके पास भी आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी कुर्ते पजामों की। और मैं दिखा रही हूँ आपको 750 रुपये जो सेल वाले भैया हैं जिनके पास आपको हैवी हैवी सूट मिल जाएंगे ओनली 750 में। और ये देखो ऐसे आपको इनके पास सारे सूट्स मिल जाएंगे ओनली 750 में। इनके पास भी इनका भी बहुत अच्छा कलेक्शन है। इनकी दरियागंज में भी शॉप है, आप वहाँ पे जाके भी ले सकते हो इनसे। और जो इंदलो की ये थर्सडे मार्केट है, ओनली थर्सडे को ये लगती है। और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है इसका वो है इंदलो। और जो इंदलो की टाइमिंग है इंदलो मार्केट की वो है 8 बजे से लेकर 3 बजे तक। और ये देखो ये वाइट वाला सूट, ये उसका दुपट्टा है 750 में। देख सकते हो आप कितने प्यारे प्यारे सूट इनके पास आपको मिल जाएंगे। और मैंने दरियागंज मार्केट में भी आपको 750 वाले सूट दिखाए हैं। अगर आप इंदरलोक में नहीं आ सकते हो धक्का मुक्की की वजह से, जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है इंदरलोक में, तो आप दरियागंज मार्केट जाकर भी वहाँ से भी अच्छे से अच्छे सूट ले सकते हो ओनली 750 रुपये में। और ये देखो ये मैंने आपको लोकेशन भी दिखा दी है। इन्हीं के बिल्कुल साथ में आपको मेन के जैसे टी शर्ट और शर्ट वगैरह के कपड़े मिल जाएंगे। ये अनस्टिच कपड़े आपको मिलेंगे। इनके पास स्टार्टिंग जो जाती है 80 रुपीज़ मीटर से हो जाती है। सबके अलग अलग प्राइस होंगे, मैंने आपको सारे कलर डिज़ाइन फैब्रिक दिखा दिए हैं। ये देखो ये 250 का आपको शर्ट का कपड़ा मिलेगा और विद पैंट। ये अनस्टिच कपड़े हैं। और ये देखो ये सियाराम का आपको मिल जाएगा 350 में, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। मैंने कार्ड भी दिखा दिया है आपको। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल साथ में ही आरन भैया के जो सामने 2-3 शॉप्स हैं सूटों की, उनका ये मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ। 600 रुपीज़ इन्होंने सेल लगा रखी है। मैंने आपको टैग भी दिखा दिया है। और ये देखो ये जनत कलेक्शन के जो आगे बिल्कुल ये 1000 रुपये की साड़ियाँ आपको मिल जाएंगी। ये हर बार ये सेल लगती है 1000 रुपीज़ में, आपको बनारसी हर तरह की साड़ी मिल जाएगी हर तरह की। और ये देखो ये सूट है 250 रुपये का, जिसके साथ आपको दुपट्टा नहीं मिलेगा, बॉटम मिलेगी। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये डिस्पेंसरी के पीछे वाली जो दिखा रही हूँ कलेक्शन, डिस्पेंसरी की जो पीछे दुकानें लगती हैं, इनके पास आपको ऐसी कुर्तियाँ मिल जाएंगी। स्टार्टिंग इनकी हो जाती है 500 रुपये से। और डिस्पेंसरी के पीछे ही आपको ऐसी लॉन्जरीज की शॉप भी मिल जाएंगी। ये आपको ओरिजिनल क्लोविया की ड्रा और पैंटी मिल जाएगी 100 रुपीज़ की। और कोई 100 रुपीज़ की टू थी मतलब अलग अलग प्राइस की आपको यहाँ पर आके आप ले सकते हो ब्रांड की लॉन्जरीज। और ये जो मैं आपको हमेशा शॉप दिखाती हूँ, ये जो झूले वाला पार्क है मतलब डिस्पेंसरी के पीछे, ये हमेशा शॉप दिखाती हूँ, इनके पास मैं आपको लेकर आ गई। ये देखो इनकी लोकेशन देख लो, इनके पास आपको बीबा की ओरिजिनल ब्रांड की कुर्तियाँ मिल जाएंगी। और ये देखो ये भी मैं आपको वहाँ का ही कलेक्शन दिखा रही हूँ डिस्पेंसरी के पीछे वाला। सबके मैंने प्राइस नीचे मेंशन कर दिए हैं। इनके पास भी 80 रुपीज़ से मीटर से फैब्रिक स्टार्टिंग हो जाता है। और इनके पास भी बहुत ही अच्छा फैब्रिक आपको मिल जाएगा भैया की, आप देख सकते हो भैया को। और ये देखो ये मैंने न्यू शॉप ढूंढी है आपके लिए। जब आप झूले वाले पार्क के जो सराउंडिंग में शॉप्स लगती हैं वहाँ पे ये न्यूली शॉप ओपन हुई है। इनके पास आपको सूट्स मिल जाएंगे, स्टार्टिंग प्राइस जो है इनका 500 है, मतलब 500 रुपये में आप इनसे कॉटन का प्योर कॉटन का सूट ले सकते हो विद बॉटम विद दुपट्टा। और इनके फैब्रिक भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगे हैं, क्योंकि प्योर कॉटन के कपड़े 500 रुपये में इतनी बढ़िया वैरायटी बहुत ही मतलब अच्छी मेरे को लगी। और ये देखो इन सबके प्राइस अलग होंगे, कोई 1000 का है, कोई 800 का है, कोई 1200 का है, सबके प्राइस अलग अलग इनके पास आपको मिलेंगे। ये देखो और इनके पास भी आपको अच्छा कलेक्शन मिल जाएगा सूटों का। जब आप झूले वाले पार्क के सराउंडिंग में जाते हो, मतलब जो आसपास झूले वाले पार्क के जो आसपास आपको दुकानें दिखती हैं वहाँ पर ही इनकी एक ही शॉप मैंने अभी तक देखी है, मतलब कि बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ से आप आके ले सकते हो।
ये मैं जो आप सूट ये दिखा रही हूँ ये आपको 500 रुपये से मिल जाएंगे। ये देख सकते हो आप, ये 500 रुपये के प्योर कॉटन के सूट है विद दुपट्टा विद बॉटम। और इसका जो ये फैब्रिक था बहुत ही सॉफ्ट वाला कॉटन आपको मिल जाएगा, जैसे गर्मियों में हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने होते हैं उस हिसाब से ये सूट मुझे बहुत ही बेस्ट लगा। इसमें भी आपको 2-3 कलर मिल जाएंगे। और ये देखो इसका प्राइस अलग होगा, ये 700 का होगा, इसका प्राइस 700 है। और ये देखो इसका भी दुपट्टा आप देख सकते हो, प्योर का दुपट्टा आपको मिलेगा, किसी के साथ कॉटन का दुपट्टा होगा, किसी के साथ प्योर का होगा। और ये देखो इसका कलर अच्छे से आ नहीं रहा, सॉरी गाइस, आज जिस मैंने ऐप से एडिटिंग करी अच्छे से एडिटिंग नहीं हो सकी क्योंकि जो मैं पहले जिससे एडिटिंग करती हूँ वो ऐप आज मेरा चल नहीं रहा था, उसका पता नहीं सर्वर कुछ अच्छे से आ नहीं रहा है, डाउन हो रखा है, इसकी वजह से थोड़ी क्वालिटी भी और वॉइस की भी प्रॉब्लम होगी। तो गाइज थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नेक्स्ट वीडियो मैं उसी ऐप से अपलोड करूँगी। और ये देखो ये आपको मैं दिखा रही हूँ ये सूट, ये प्योर कॉटन के सूट आपको मिल जाएंगे, इसका प्राइस भी अलग होगा। जो मैक्सिमम प्राइस है इनका, इनके पास हैवी सूट्स भी आपको मिल जाएंगे, हैवी से हैवी 2000-2500 तक के। और ये देखो इसकी मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ, सूट मैंने आपको दिखा दिया है। और ये देखो ये भी इनके पास एक ही आपको सूट मिल जाएगा, इसका दुपट्टा आप देख सकते हो डिजिटल प्रिंट का है। और ये मैं वही दिखा रही झूले वाले पार्क के सराउंडिंग में जो शॉप्स लगती हैं, इनके पास जो लेसेस की स्टार्टिंग 80 रुपीज़ मीटर्स हो जाती हैं, इनके पास आपको हैवी वाली लेस मिलेंगी। अगर आपको मतलब नॉर्मल वाली चाहिए, ये तो हैवी वाली मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर नॉर्मल वाली चाहिए तो जो जन्नत कलेक्शन है उसी के जो सामने बिल्कुल सामने आपको भैया लेसेस वाले मिल जाएंगे, उनके पास आपको 500 रुपये से मीटर से स्टार्टिंग हो जाएंगी उनके पास लेस की, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो, इनके पास 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाएगी। बट इसका प्राइस मुझे महंगा लगा क्योंकि 80 रुपीज़ में महंगा है, 80 रुपीज़ से स्टार्टिंग है इनके पास, और कोई 150 रुपये मीटर है, कोई 100 रुपये मीटर है, कोई 120 है, ऐसे है। मतलब अगर आपको वो मेरा है कि मेरे को महंगी लगी, लेकिन आप ही यहाँ से आके ले सकते हो। ये देखो ये ऐसी आपको इनके पास लेसेस मिल जाएंगी, ये सारी ही शॉप्स जब आप झूले वाले पार्क के सराउंडिंग घूमोगे ना तब आपको खुद ब खुद मतलब ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद ही दिख जाएंगी ये शॉप्स, मतलब बाहर ही हैं, कोई अंदर मतलब मैं आपको दिखा नहीं रही, सारी शॉप्स मैं जो दिखा रही हूँ वो बाहर की ही शॉप्स हैं। और यहाँ पर भी जो आपको 2-3 आंटियाँ मिल जाएंगी जो ऐसी ज्वेलरी सेल करती हैं, इन्होंने इस बार 100 रुपये सेल लगाई हुई थी, उधर दूसरी वाली जो आंटी थी उनके पास तो बहुत भीड़ थी मतलब, तो मैं वो शॉप आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन इनके पास मतलब इतनी भीड़ नहीं थी तो मैंने आपको इनका कलेक्शन दिखा दिया है। 100 रुपीज़ सेल में आपको ऐसी ज्वेलरी का कलेक्शन इनके पास मिल जाएगा। अगली बार होगा इसका मैं श्योरिटी आपको नहीं दे सकती, लेकिन इस बार इनके पास आपको 100 रुपये में ऐसी मिल रही थी ज्वेलरी का कलेक्शन, और मुझे तो अच्छा लगा ये। और ये देखो ये सब आपको इनके पास बैंगल्स के कलेक्शन मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस फॉर एप्रिसिएशन, और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक भी कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गाइस मुझे कमेंट में भी बताना कि आज का कलेक्शन कैसा था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी देख लेना। और ये आपको 200 रुपीज़ में ऐसी फुटवेयर मिल रही थी, और ये देखो इसका प्राइस मुझे नहीं पता गाइस, लेकिन ये जो फैब्रिक है इसका मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको पता तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो ऐसा लगा सिर्फ असली का पानी ऐसे लहरा रहा सा होता है, अलग सा है, मतलब फैब्रिक है, और कलर भी बहुत ही अच्छा कलर है। ये देखो इन्हीं के पास ये कुर्ता मिला था, इस सब का प्राइस, क्योंकि भैया ही नहीं थे वहाँ पर तो मैं किससे पूछूँ, अगर आप वहाँ पर गए थे और आपने पूछा तो मुझे बता देना। ये देखो यहाँ पर ही
जब आप सलीम बावर्ची वाली जो जो मतलब जब ब्रांडेड टी शर्ट वाले भैया उनके सामने वाली जो स्ट्रीट है सीधा सीधा जाते हो ना, फिर वहाँ पे सलीम बावर्ची वाली जो एक शॉप आ जाती है, वहाँ से जब आप एंडिंग करते हो तो एक चौक सा आ जाता है ना, वहाँ के आप बिल्कुल लेफ्ट मुड़ जाना, तब आपको ये सारी शॉप्स दिख जाएंगी। अगर आपको लाइव लोकेशन देखनी है तो मैंने डाली भी हुई है वीडियो पिछले हफ्ते की, वहाँ पे मैंने आपको पूरी लाइव लोकेशन दिखाई है इंद्रलोक मार्केट की। तो मैं आपको ऐसे समझ ना आया हो तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, मैंने पूरी अच्छे तरीके से आपको वो लोकेशन दिखा रखी है। और ये देखो इनके पास आपको 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग हो जाएंगी। इसकी लोकेशन मैं आपको दिखा दूँगी तो आप अच्छे से समझ जाना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे आपको 300-300 रुपये में बच्चों के ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे। पार्ट वन में भी मैंने सारा इस पार्ट टू में मैंने आपको ज़्यादातर सूट्स दिखाए हैं, लेकिन मैंने पार्ट वन में सारा ही कलेक्शन जो बच्चों के कपड़े हो गए, फुटवेयर हो गए नरेश भैया के, और भी बहुत सारे मतलब दिखाए हैं, तो पार्ट वन को देख सकते हो। पार्ट टू में मैंने रखा था कि मैं सारे सूट्स ही दिखाऊँगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पार्ट वन में आप जाके बच्चों के कपड़े, नरेश भैया के फुटवेयर, राहुल भैया के फुटवेयर, और भी बहुत सारा सामान मैंने दिखाया है, ज्वेलरी वगैरह, वो जाके आप देख सकते हो। इनके पास आपको 300-300 रुपये के ऐसे शॉर्ट्स भी टी शर्ट मिल जाएंगे। इस बार ये थे भैया, कहते अगली बार भी आएंगे। ये देखो 300-300 के बच्चों के कपड़े आपको इनके पास मिल जाएंगे। ये देखो आरएस प्रॉपर्टीज़ है ना, वहाँ से जब आप आओगे ना तो आरएस प्रॉपर्टीज़ का एक निशानी है, मैंने आपको दिखा दी है, उसी के आगे ये भैया मिलेंगे। जब सलीम बावर्ची वाली जो टेलर वाले जो हैं टेलर, उसके बिल्कुल सामने वाली गली में मुड़ जाना, आपको लोकेशन पता चल जाएगी। सो आज का व्लॉग ख़त्म हुआ गाइज, बाय बाय, जल्द ही अगले व्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।